हाय गाइस, मैं हूँ राजेश। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा एक बोया का M1 माइक, जिसको मैंने अमेजोन से अभी अभी परचेज किया है। तो इस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है, इसमें नॉइस कैसा आता है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और ये रहा एक प्रोडक्ट, इसको मैं अनबॉक्स करूंगा अब। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो अनबॉक्स करता हूँ उसको। तो ये रहा मेरा मेन प्रोडक्ट। और गाइस, इसमें है मेरा बिल, इसको मैंने परचेस किया है। मैं इसका दिखा देता हूँ कितना लिया है मुझसे। तो गाइस, इसको मैंने परचेस किया है 834 रुपीज में। तो मैं इसको अब अनबॉक्स करूंगा। क्या है तो गाइस, इसमें एक बुक है, इसमें कैसे इसको यूज करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यह पे कुछ है, मुझे पता नहीं है क्या है। और वारंटी कार्ड, ये वारंटी कार्ड है, देख लीजिए। और ये रहा एक बैग, बैग के अंदर मेरा मेन माइक है, मैं इसको निकालता हूँ। ये रहा गाइस मेरा मेन माइक बोया M1। और क्या क्या है, और एक पाउच इसके अंदर क्या क्या है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर एक स्पॉन्ज है, जिसको लगाना पड़ता है माइक के ऊपर। और यहाँ पे एक, इसको शायद ऐसे लगा के उसके बाद और कोई डिवाइस से कनेक्ट कनेक्ट होता है ये वाला डिवाइस। तो और यहाँ पे एक क्लिप, यहाँ पे एक क्लिप मिला है, ये रहा छोटा सा क्लिप। और एक बैटरी, छोटा सा बैटरी मुझे यहाँ पे मिला है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे जो बैटरी मिला है, बैटरी को मैं इसके अंदर इंस्टॉल करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जैसे इसको खोलना पड़ेगा ऐसे करके। खुलने के बाद यहाँ पर गाइस देखिए, लिखा हुआ है इस तरफ आपको प्लस, इस तरफ आपको माइनस लगाना पड़ेगा बैटरी का। तो गाइस, मैंने बैटरी का जो प्लस है, प्लस यहाँ पे है ऊपर वाला प्लस, तो प्लस को मैं ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा, माइनस की, माइनस को माइनस की तरफ मैं लगाऊंगा। मैं इसके अंदर इसको लगा देता हूँ। तो गाइस, बैटरी यहाँ पे देखिए लग चुका है। तो इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बटन को आप ऊपर करोगे तो आप इसको DSLR के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा आपका जो DSLR है उसके साथ आप इसको यूज कर पाएंगे। और गाइस, यहाँ पे जब इसको नीचे करोगे तब आप जो इसका स्मार्टफोन है, आपका जो फोन है उसके अंदर आप इस माइक को यूज कर पाओगे। तो गाइस, यहाँ पे जो मुझे कनेक्टर मिला था ये वाला, मुझे पता नहीं ये ठीक से यहाँ से लग नहीं रहा है। देखिए, ठीक से यहाँ पे लग नहीं रहा है, मुझे पता नहीं ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं। तो गाइज, इस जो माइक है इसको यूज करने के लिए आपका जो फोन का कैमरा है, फोन का कैमरा में ये माइक यूज नहीं हो पाएगा। आपको एक्स्ट्रा एक कैमरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है ओपन कैमरा। उसको जब आप डाउनलोड करोगे तब इस माइक को आप इजीली यूज कर पाओगे। तो गाइज, कैमरे के अंदर जाके आपको सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज, तब जाके आप इस माइक को यूज कर पाओगे आपके स्मार्टफोन में। तो गाइज, इसका जो क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए, वायर बहुत अच्छा है। तो गाइस, अब मैं इसका जो साउंड क्वालिटी है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और इसमें नॉइस कैसा आता है वो भी मैं आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। गाइस, तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें
कोई भी माइक कनेक्टेड नहीं है, मेरा जो फोन का इंटरनल माइक है उसे ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस आप लोग सुन लो अब साउंड क्वालिटी कैसा है और इसमें नॉइस कैसा है। तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाऊंगा, उसके बाद आप सुन लेना इस जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो फोन का माइक है उसमें नॉइस कैसा आता है। तो मेरा जो बोया का M1 माइक है वो अनकनेक्टेड है, वे कनेक्ट मैंने नहीं किया हूँ, तो मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। तो गाइस आपने सुन ही लिया होगा जो बाहर का नॉइज है वो कैसा आ रहा है। तो गाइस ये जो माइक है मैं आप इसके अंदर लगाता हूँ और आप वॉइस में कैसा चेंज आता है वो आप सुन लो। तो मैंने जो माइक है बोया का M1 माइक उसको मेरे फोन के साथ कनेक्ट किया हूँ मैंने, अब वॉइस में शायद कुछ फर्क आएगा। और गाइस अब मैं कुछ टाइम के लिए चुप हो जाऊंगा और इस टाइम जो नॉइज है नॉइज जो आ रहा है वो आप लोग सुन लेना, और पहला वाला ऑडियो और इसमें जो फर्क है वो आप ही लोग जज कर लेना कैसा है ये वाला माइक। तो गाइस आप लोगों को पता चल चुका होगा जो फोन का माइक साउंड सॉलिड क्वालिटी कैसा है और माइक लगाने के बाद कैसा आ रहा है, और विदाउट माइक नॉइस कैसा आ रहा था और माइक लगाने के बाद अब नॉइस कैसा आ रहा है। तो गाइस आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी हेल्प हुआ हो। तो गाइस मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी मदद मिला हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।